हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और उसकी प्रश्नावली 13.4 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th को डिस्कस करने वाले हैं। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या मतलब है? देखो, ये रहा हमारे पास गुब्बारा। तो जब गुब्बारे को फुलाया तो शुरुआत में इसका जो त्रिज्या थी वो 7 सेंटीमीटर थी। तो ये रहा गुब्बारा, गुब्बारे का ये रहा केंद्र, ये उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। फिर इसमें हवा भरी तो हवा भरने पर थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, ये हो गया, ये इसका केंद्र है, ये इसकी होगी त्रिज्या, जिसको कि हम कहेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये गुब्बारा तब जब इसमें हवा कम भरी थी, ये गुब्बारा जब इसमें ज्यादा हवा भरी। तो इसको मान लेते हैं छोटा आर और इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। दोनों ही त्रिज्याएं हैं, ठीक है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो हमें इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो ये वाला जो गुब्बारा है, पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो गुब्बारा एक का पृष्ठीय, इसको एक मान लेते हैं, नाम देते हैं, ये पहला गुब्बारा, ये दूसरा गुब्बारा, ठीक है। तो गुब्बारे एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय गुब्बारा जो कि होता है एक गोला, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 को ऐसी रखता हूं, पाई को ऐसी रखता हूं, और आर की जगह हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक। 4 को ऐसी रखा, पाई को ऐसी रखा, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, ठीक हो गया। अब दूसरा हम कर लेते हैं गुब्बारा 2 का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए रखेंगे फॉर्मूला 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। देखो, ये बड़ा गुब्बारा है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो यहां मैंने ये लिख दिया है। तो अब इस पे बात करते हैं, 4 पाई, जो ये आर है, ये है 14 का स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, इतना ही छोड़ देते हैं। अब हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? अनुपात किसका निकालना है? तो गुब्बारा एक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बट्टे गुब्बारा 2 का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम गुब्बारा एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल रख लेते हैं। कितना निकाला मैंने ऊपर? 4 पाई मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर बट्टे में, ये गुब्बारा 2 है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई से, तो पहले तो 4 पाई कट कर देते हैं। 7 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7, 14 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई 14। अब काटते हैं, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, कट गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आए। तो अनुपात हमारे पास कितना आ गया? 1/4। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस फोर्थ क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।